Identification by a two digit and three digit numbers. ओके कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे. 25 में हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं चलिए देखिए. पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का टेबल 5 में पढ़ेंगे, फिर 2 का टेबल 2 में पढ़ेंगे. तो सब चलिए 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो हम 10 का 0 यहाँ लिखेंगे और 1 टेंस के ऊपर. तो फिर 2 का टेबल हम 2 में पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 में ये 1 कैरी को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आएगा. अब 1 यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और 1 का टेबल 5 में और 1 का टेबल फिर 2 में पढ़ेंगे. तो 1 का टेबल पहले 5 में, तो 1 5 जा 5 और 1 2 जा 2. अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो यहाँ 0 0 है, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 उतार देंगे ऐसे ही. फिर 5 में 5 प्लस करेंगे क्या आएगा, 10, 10 का 0 और 1 यहाँ कैरी, तो 1 में 2 प्लस करेंगे क्या होगा, 3, आंसर आया 300, तो हम लिखेंगे 300. देखिए 25 क्या है, मल्टीप्लायर, और 12 क्या है, मल्टीप्लिकेंड है, और 300 क्या है, प्रोडक्ट है. अब दूसरा क्वेश्चन देखिए सॉल्व कर लेते हैं थ्री डिजिट का. 123 को हम क्या करना है, 130 में मल्टीप्लाई करना है. पहले हमको क्या करना है, 0 का टेबल पढ़ेंगे 3 में, फिर 0 का टेबल पढ़ेंगे 2 में, फिर 0 का टेबल पढ़ेंगे 1 में. चलिए 0 3 जा 0 0 2 जा 0 0 1 जा 0, फिर हम 3 का टेबल इसी तरह पढ़ेंगे, 3 का टेबल 3 में, तो 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3. अब क्या करना है हमको, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का फिर निशान सिंबल लगाएंगे यहाँ पे और क्या करेंगे, 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1. अब हमको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है तो 0 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का है तो 0 ऐसे ही यहाँ उतार लेंगे. अब यहाँ 9 है, यहाँ 0 यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा. अब यहाँ 0 है, ये 6 है, ये 3 है, तो 0 में 6 प्लस करेंगे तो 6 ही आएगा और 6 में 3 प्लस करेंगे तो 9 आएगा. अब 3 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5, और 1 ऐसे उतार लेंगे तो क्या हुआ आंसर, 15,990. अब इसमें 123 क्या है, मल्टीप्लेयर, और 130 क्या है, मल्टीप्लिकेंड है, और 15,990 क्या है, प्रोडक्ट है.